welcome and good morning in today's inorganic chemistry class on elementary idea of the periodic table there are very important questions for the competitive point of view on the periodic table today we will discuss about some more important questions which can be asked in different competitive exams regarding the periodic table so let's start First of all, we have the complete knowledge about the number of elements in the periodic table. We have already discussed all about these elements. In the whole of the periodic table, it's divided in periods and the groups. There are the total seven periods and the 18 groups. How can we learn all these elements in a systematic way with some tricks, which we have already discussed in the previous lecture? Let's take a very quick review about these. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर के अभी शशि फ्रेंड ग्रुप टू एजाजी थर्टीन के जो आपके एलिमेंट है उनको आप कैसे याद करेंगे दीज आर देंगन आलू गाजर इन थैला ग्रुप नंबर फोर्टीन एलिमेंट चलो सीता जी के संत प्रभु ग्रुप नंबर फिफ्टीन नथु पागल की आशिकी में सब बिकेंगे ग्रुप नंबर सिक्सटीन उसके स्टाइल से टेपो ग्रुप नंबर सेवनटीन फिर कल बाजार आई आंटी ग्रुप नंबर एटीन हीना और करीना का एक्सरे रंगीन तो इस टाइप से आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बिकॉज द एस ब्लॉक

नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम येटरबियम टू टेक्नीशियम यहां जरूर नींबू मौसमी टेस्ट करें जस्ट बिलो दैट लेंथेनम टू रहेनियम ला हफ्ता वगैरह रे आफ्टर दैट द ग्रुप नंबर एट टू ग्रुप नंबर ट्वेल्व ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मिस अप टू द दलिडियम रुक रहा पड़ोसी उसके इशारे पड़ता मींस आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम साइमल्टेनियसली याद कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व सिल्वर और कैडमियम को आपने कैसे याद किया गोल्ड और मर्करी को आपने कैसे याद किया आगे कोल्ड और होगी एजी से आगे सी डी से कोल्ड एयू से और एच जी से होगी ऐसे आपको बताया गया था आफ्टर दैट नाउ वी हैव सम क्वेश्चन सिमिलरली हमने आपको है ट्रिक दे के आपको समझा दिया था कि आप हाउ कैन यू लर्न ऑल दीज एलिमेंट्स सो नेोसीड टूवर्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द प्रोडिक्टेबल लेट्सार्प रिव्यू The group one and the two elements called as the alkali and the alkaline earth metal because their compounds, their oxide, on addition of the water gives the hydroxide, which can further produce the OH negative ion. Because of that nature, these group one and the group two elements called as the alkali or the alkaline metals. Further, the alkaline earth metals, that is the group two elements, they are found in the earth crust.

बड़े अच्छे से आप हर क्वेश्चन को याद करेंगे आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते नेक्स्ट द एस एंड पी केमिकली वेरी रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्योंकि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन व्हाइल द ग्रुप p-block elements they are also reactive because they have the tendency to gain the electrons. It means s-block element electro elements, elements are the electropositive elements, p-block elements are the electronegative elements. The s and p-block elements are collectively called as the normal or the representative elements because they are chemically very reactive metals and the non-metal respectively and they can easily lose or gain the electrons to attain the nearest noble gas configuration तो आपको यह याद रखना है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप नॉर्मल और द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं तो आप पूछा जा सकता है ब्लॉक तो जवाब तो दे देंगे इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है लिथियम बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन दीजारती थर्ड वन अगर आप देखें देखो फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम आपके सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं एट एलिमेंट लिथियम से लेके नियोन तक उसके बाद आपके जो थर्ड पीरियड है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं सोडियम से लेके आर्गन तक बात चल रही है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की सो दी सेकंड पीरियड एलिमेंट दैट इज एटोमिक नंबर थ्री दैट इज द लिथियम टू एटोमिक नंबर टेन दैट इज द दियोन दीज ऑल called as the bridge elements why are they called as the bridge elements because they show the similarity in properties with the element of the next group present diagonally to it for example what do you mean by diagonally diagonally means as you can see on the screen lithium shows the similar behavior like that of the magnesium means lithium is a second period element to which element it shows the similarity in their characteristics in their properties lithium shows the similarity in their behavior similarity in their properties with the element of the next group means lithium is present in group number one and the magnesium is present in group number two and it is present diagonally to it so lithium k diagonally con present and magnesium so that's the meaning of diagonally and the next group means the second period elements called as the bridge elements because they shows the

and so on carbon shows diagonal relationship with phosphorus next the diagonal relationship and the anomalous behavior is shown by which period elements jaise maine abhi aap se kaha to diagonal relationship is shown by the second period elements the anomalous behavior is also shown by the second period element what do you mean by anomalous behavior anomalous behavior means the difference in their the difference in the property of a element with the remaining element of the same group कोई ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर वन है आपका उसमें लिथियम आपका एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बचे हुए जो रिमेनिंग एलिमेंट है लिथियम के नीचे कौन है देखो ग्रुप वन में सोडियम पोटासियम रूबेडियम सीजियम फ्रेंशियम उनसे अलग प्रॉपर्टी को शो करना दैट कॉल्ड देयर एनामलस बिहेवियर हटके बिहेवियर दिखाना उनसे अलग बिहेवियर दिखाना वो कहलाता है एनामलस बिहेवियर तो जो लिथियम है ग्रुप नंबर वन के अंदर आपके रिमेनिंग एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जैसे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर ऐसा कहा जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लिथियम वो उसका एनालस बिहेवियर है अदरवाइज तो देखो बेसिक अगर हम देखें डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तो अगर आप हाफ डेफिनेशन को याद करते हैं तो आप क्या कहते हैं आप ऐसा कहते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन

और उस ज्यादा एनर्जी बाहर के लिए खुद की एनर्जी कम खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा द द एनर्जी मोर स्टेबिलिटी तो यही तो डेफिनेशन है की द द द सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबिलाई इन्यूशन और कौन पानी में ज्यादा स्टेबल हो गया तो लिथियम है हो गया ना इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया ना इसका एनमलस बिहेवियर तो किसी भी ग्रुप के अंदर जो टॉप एलिमेंट है जो सेकंड पेयड एलिमेंट है वो एनमलस बिहेवियर दिखाता है वो कुछ हटके अपनी प्रॉपर्टी शो करता है

तो आप ये दोनों बातों को जरूर याद रखेंगे इन डिटेल तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे हमारे के। उसमें हम इन डिटेल आपको इन तो डिटेल वो क्या -क्या? वो आपको अलग से बताई जाएंगी यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिव्यू ले रहे हैं नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिथियम जैसे मैंने बताया ये प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम के साथ बोरोन सिलिकॉन के साथ कार्बन उन्होंने तो बचे हुए एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर दी ड्यू टू देर एन बिहेवियर डू टूर स्मॉल तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट ही है जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट

इन द पीरियड नंबर फोर जो पीरियड नंबर फोर है पीरियोडिक टेबल का उसमें आयरन कोबाल्ट निकिल है ग्रुप नंबर एट नाइन टेन आप स्क्रीन पे अच्छे से पीरियोडिक टेबल है आपके सामने आप उसमें देख पा रहे हैं दीज थ्री एलिमेंट कोलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फेरस मेटल बिकॉज आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट द आयरन रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट दीज कोबाल्ट एंड द निकिल Like in the point number four, the third period element called as the typical elements because they represent the property of the remaining element. Similarly, in that particular group, that is the iron, cobalt, and the nickel, the iron reflects the property of these remaining two elements, that is the cobalt and the nickel. It is the major element. So, these three elements collectively called as the ferrous metal. Below ग्रुप नंबर एट नाइन एंड टेन इन पीरियड नंबर के अंदर देखें आयरन कोबाल्टिकल के नीचे कौन है ये सिक्स एलिमेंट हैं आपके रुदेनियम प्लेडियम और प्लेटिनम मेटल आर सिक्स मेटल दीज आर थ्री ए नंबर तो इस टाइप से आप इनको याद रखेंगे और इसके अंदर भी जो मेजर प्रॉपर्टी जो शो करेगा

जैसे आपके सामने उसके बाद सिल्वर क्वाइंस द गोल्ड क्वाइन यानी दीज थ्री एलिमेंट कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर इज दीबल द रेडियो एलिमेंट आर इन ग्रुप नंबर 1 द रेड इज फ्रेंशियम एफ आर इन द ग्रुप नंबर 2 दट इज रेडियम इन द ग्रुप नंबर सिक्सटीन लास्ट एलिमेंट है ये सभी आपके पोलोनियम ग्रुप सेवनटीन That is the estatine in group number eighteen. That is the radon. After that, in the d-block element, atomic number forty-three. That is a synthetic element. That is a radioactive element. Atomic number forty-three. After that, the atomic number sixty-one in the lanthanide series, the 4f-block element. That is the promethium, PM. That is the promethium. That is the radioactive element. All actinides are the radioactive elements. So, and the higher elements.

आपके पीरियड नंबर फोर्थ में क्रोमियम के जस्ट बिलो कौन है मोलिविडनमोलिडनम के जस्ट नीचे कौन है दैट इज द टंगस्टन सो द द टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड द मरकरी हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी कहां पे ग्रुप नंबर 12 में जिंक कैडमियम मरकरी एटॉमिक नंबर 80 जो वो आपका मरकरी है उसका क्या है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और जो टंगस्टन है अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम ये बात करें अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स द टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड द मरकरी हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये हम इन डिटेल आगे देखेंगे डी ब्लॉक के बारे में जो पढ़ेंगे द टंगस्टन इज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये जो किसी भी चीज का इन जनरल आपको बता दें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि फॉर एग्जांपल टंगस्टन का एक, एक एटम है टंगस्टन का सेकंड एटम है उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इंटरमेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे इंटरमेटेलिक बॉन्ड कितने बने व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमेटेलिक बॉन्ड इन दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है आपके मेल्टिंग पॉइंट कम है या ज्यादा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप देख पाएंगे आगे जाके इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेंगे उसके बाद जो स्ट्रेंथ होगी इंटरमेटेलिक बॉन्ड की वो भी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ दैट रीजन द टंगस्टन इज द रीजनस्ट मेल्टिंग पॉइंट और मरकरी के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं सारे पेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आप कॉन्फिग्रेशन लिख के देख सकते हैं जिंक की कैडमियम की मरकरी की इनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता सो ये पेड स्टेट के अंदर होते हैं सारे इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका जो टंगस्टन है वो कहाँ पे यूज होता है जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर कौन यूज होता है आपके ये टंगस्टन इट इज यूज्ड इन द बल्ब फिलामेंट ये आपने देखा है पहले तो बल्ब यूज करते थे आजकल तो आप देखते होंगे एलईडी ट्यूब्स आ चुकी हैं इन द प्रीवियस टाइम यानी बिफोर uh, यानी आपके 10 टू 15 इयर्स एगो आपने देखा होगा इन को यूज करते थे बट दे कंज्यूम मोर एनर्जी सो टू

उसके बाद आपके गैलियम कहाँ पे है गैलियम आपका आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम ग्रुप नंबर थर्टीन में अगर आप देख पाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पे गैलियम है वाइल जो नॉन मेटल लिक्विड है वो ब्रोमीन है ग्रुप नंबर सेवनटीन में देखे फ्लोरिन क्लोरिन के नीचे ब्रोमीन है इट एग्जिस्ट इन बी आर, बी आर, बी आर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है डायटोमिक स्टेट के अंदर तो ये नॉन मेटल आपका लिक्विड है आपके जो ये एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप नंबर थर्टीन दैट इज अ गैलियम

ब्रोमीन के फ्यूम्स देखें देखो, देखे। देखो कितने रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ब्रोमीन को जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे ब्रोमीन को सबसे पहले ब्रोमीन कैप्सूल की फॉर्म में आता है ब्रोमीन की बोटल्स के अंदर भी आता है अब सबसे पहले इसको चिल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा चिलिंग कर लेंगे बिल्कुल चिल्ड कर देंगे बहुत ज्यादा कूल दा, कर देंगे जो वेपर्स हैं सारे कंडेंस हो जाने चाहिए तभी आप उसको यूज करेंगे अदरवाइज ये डेंजरस सिचुएशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने ज्यादा फ्यूम्स निकलेंगे जो आपके आईज में जाके आपकी आईज को डैमेज कर सकते हैं बल्जिंग ऑफ आईज हो जाती है यानी काफी केसेस हैं जिसमें यह देखा गया कि वेपर्स ब्रोमीन के जब आई के कांटेक्ट में आए दे बल्जिंग ऑफ आईज मींस आई जो आपकी जो आई बॉल है इस आई बॉल के पीछे जो मसल्स हैं जिन्होंने इसको आपके स्ट्रेच कर रखा है जो आपकी आई नॉर्मल सिचुएशन में दिख रही है बाहर निकल के आ जाएगी ऐसे बल्जिंग हो जाती है आईज

जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम एकदम एट इंस्टेंट कैसे आप फिनिश करें सो so, जो भी केमिकल आप यूज करेंगे उसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए दैट सब्सटेंस कॉल्ड एज द एंटीडोट सो विच इज द हार्डेस्ट मेटल जैसे अभी हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई कि टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है सिमिलरली जो हार्डेस्ट है कोई सब्सटेंस हार्ड है किस बेसिस पे होता है देखो आपने पढ़ा है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैस ये जो डेफिनेशन दी गई किस बेसिस पे दी गई प्लेस पार्टिकल बिकम लिक्विड तो वो, वो आपके लिक्विड स्टेट में आ गया व्हेन दे कम मच मोर क्लोजर टू ईच अदर मींस वो सॉलिड स्टेट में आ गया अब सॉलिड के अंदर भी कोई तो सॉफ्ट सॉलिड हो सकता कोई ज्यादा हार्ड कोई और ज्यादा हार्ड तो उसकी हार्डनेस किस बात पे डिपेंड करी मींस जब पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आए दे टू इच अदर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो थोड़ा स्लाइटली वीकर है ज्यादा स्ट्रॉगर है वो किस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन तो डीप ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये देखा जाता है किस एलिमेंट के पास कितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मोरपेड इलेक्ट्रॉन मोर विद इंटरमेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्ड बिटवीन दीज एस और जितने ज्यादा इंटरमेटेलिक बॉन्ड होंगे मोर विल्वायर टू ब्रेक इंटरमेटे बॉन्ड तो मोर विदर मेल्टिंग पॉइंट और जितने ज्यादा इंटरमेटे बॉन्ड है उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी

मोस्ट अबेंट एलिमेंट इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप नंबर वन में ग्रुप नंबर टू में कौन है एल्यूमिनियम है आपके सिलीकोन ग्रुप नंबर में कौन है ऑक्सीजन ग्रुप नंबर आपके एटीन में कौन है दट इज द आर्गन इस टाइप से और भी आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को याद कर सकते हैं बट दीज आर दिन क्वेश्चन

तो ये जो हम फिर से आपको याद दिलाया रिलेशनशिप एग्जाम में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको बार बार आपको याद दिला रहे हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं लिथियम विद, आए, टिक करेंगे, बेरिलियम विद, तो टिक करेंगे के के ऊपर। तो आप किस पे करेंगे साथ। आ जाता है ग्रुप नंबर ड्यू टूर सफोकेटिंग नेचर ग्रुप नंबर सिक्सटीन एलिमेंट दे फॉर्म दिन द अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड और द सल्फाइड्स

for the formation of any of the bond because of their no tendency for the formation of any type of bond they called as the zero valent elements in zero valent element hai, they have no tendency for the formation of bond their valency is zero because they have no tendency for the formation of bond so they have no tendency to show any of the reaction so previously they called as the inert gases but nowadays they properly called as the noble gases after the discovery

वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में तो इसीलिए आजकल इनको नोबल गैसेस कहते हैं बिकॉज दे हैव द सम टेंडेंसी टू फॉर्म द द कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड द ऑक्सीजन देखो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है ग्रुप 18 के एलिमेंट देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज होने का मतलब शेल इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस

के अंदर वो कौन करवाया किसने पेड इलेक्ट्रॉन को दीज आर दूलिमेंट इज दिन ऑक्सीजन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप 18 में कौन है जो कुछ कंपाउंड बना सकता है जीनोन किसके साथ बना सकता है फ्लोरिन ऑक्सीजन कि क्यों बना सकता है जीनोन क्योंकि उसका साइज बड़ा है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बना सकता है ड्यू टू देर मोर इलेक्ट्रोन नेचर बिकॉज ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेक्टिव नेचर ऑफ द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिव एलिमेंट तो फ्लोरीन है ही तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेक्टिव एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है सो दीज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट फ्लोरिन फॉलोड बाई ऑक्सीजन देव द टेंडेंसी टू अनपेड दिल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द जीनोन तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनपेड हो जाएंगे तो कुछ कंपाउंड बनाएंगे तो जीनोलीसलिए कुछ कंपाउंड जब भी बनाता है तो वो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है नेक्स्ट जो आपके ग्रुप 18 एलिमेंट है दे आर कॉल्ड एज द रेयर गैसेस और द एरोजेंस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट इन द एनवायरनमेंट सो ड्यू टू दे आर रेयर नेचर इन द एनवायरनमेंट ड्यू देयर लेस नेचर इन द एनवायरनमेंट दे कॉल्ड एज रेयर गैस इज ऑफ द एरोजन्स हीलियम वाज़ फर्स्ट नोबल गैस डिटेक्टेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सन जो सन का जो स्पेक्ट्रम होता है आप देखें देखो सन से रेडिएशंस निकली उसका जो स्पेक्ट्रम है वो देखा गया स्पेक्ट्रम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं आप इमिशन स्पेक्ट्रा भी देखा गया उसका एब्जोशन स्पेक्ट्रा भी देखा गया मीन्स देखो जो लाइट हो गई उसके बेसिस के ऊपर स्पेक्ट्रा को देखना अभी आपने देखो देखा दैट इज कुछ रेडिएशन इमिट हो गई उसके बेसिस के ऊपर जो हम स्पेक्ट्रा देखे इमिटेड रेडिएशन को हम स्टडी करें तो दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जोर्ब रेडिएशन के नेचर को हम एक्सप्लेन कर पाए दैट इज द एब्जोशन स्पेक्ट्रा तो जब हमने इमिशन और द दब्ज्योशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया तो यह पाया गया था हीलियम वाज़ द फर्स्ट नोबल गैस दैट इज डिटेक्टेड द स्पेक्ट्रा ऑफ द सन

उन सभी को एक ग्रुप में रखा गया ऐसे ग्रुप टू के अंदर ग्रुप वन में जैसे सभी के जो ग्रुप टू के अंदर जितने भी एलिमेंट है एलिमेंट है जो ग्रुप बनाए गए हैं तो ग्रुप वन एलिमेंट्स है नियरेस्ट ग्रुप एटीन नोबल गैस फुलफिल्ड स्टेबल कॉम्बिनेशन सो ग्रुप वन एलिमेंट

क्योंकि कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जीरो तो किसी में होता नहीं तो वन टू टेन ही लिखेंगे तो वेमेंट एन माइनस वन डी वन टू टेन और एन एस एक्सेप्शन है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे प्लेडियम उसके अंदर एन एस जीरो रहता है आपके क्रोमियम और कॉपर ये एलिमेंट ऐसे जिनके अंदर आपके एन एस वन आ जाता है और अगर हम इन एलिमेंट को छोड़ दें तो रिमेनिंग एलिमेंट के अंदर लास्ट में NS2 ही रहता है तो इन मोस्ट ऑफ द द डी ब्लॉक इन वैलेंस पार्ट एन एस टू इलेक्ट्रॉन विच कैन बी लॉस्ट इजिली सो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो द प्लस टू वाइल द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज प्लस थ्री तो आपके जो उनके अंदर आप देख पाएंगे

पी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है कि पी ब्लॉक के के अंदर अवराल देखे, हाँ, के अंदर ओवरऑल ग्रुप आप जरूर देख सकते हैं जैसे हम ग्रुप की बात करें तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक डी ब्लॉक की बात की डी ब्लॉक ब्लॉक का मतलब पूरे डी ब्लॉक के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू बट दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ए ब्लॉक एलिमेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री बट दे कैन ऑल्सो शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट

क्या होता है जो बॉन्डपेर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिवेंसीमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्डपेर इलेक्ट्रॉन टूअर्ड इट सेल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरन है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉलोड बाय ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है इलेक्ट्रॉन गेन एनथाल्पी किसकी सबसे ज्यादा है दैट इज द क्लोरीन वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे आगे भी एक्सप्लेन करेंगे अलग से जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक को आपको यानी टीच करेंगे तो अपने ये बताना है कि जो जैसे हमने बताया था एनमल बिहेवियर तो ग्रुप नंबर 17 में बिहेवियर कौन शो करेगा आपके फ्लोरीन है

किसकी हो गई फ्लोरिन की अंदर नहीं जा पाया इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी अब ज्यादा किसकी होगी वो क्लोरीन है फ्लोरिन के जो जस्ट नीचे है ग्रुप नंबर सेवनटीन के अंदर क्योंकि उसके अंदर वैकंडल आ जाता है इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होती क्लोरीन के अंदर सिमिलरली इसी क्वेश्चन को आप देखो कैसे याद करेंगे जनरल जो ट्रेंड है उसके बेसिस के ऊपर ग्रुप सेवनटीन के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है होनी तो चाहिए। देखो, फ्लोरीन की, क्योंकि उसका है। लेकिन वो ले नहीं पा रहा है तो आप कहेंगे सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ग्रुप 15 में भी पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है नाइट्रोजन से सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात आए तो ग्रुप फिफ्टीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है नाइट्रोजन की ज्यादा है फॉस्फोरस से ग्रुप सिक्सटी में ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से ग्रुप सेवनटीन में फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से तो आप ऐसे याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पॉइंट आ जाता है विच इज द दस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल दैट इज एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने शुरू में ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी थी नेक्स्ट आ जाता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज अ फ्लोरीन

तो ये दोनों बातें आपको येगाइड्रेटेडन गेट स्टेबिलाईज डू टू दैटियम इज द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली जो फ्लोरिन है सबसे पहले एफ और एफ के बीच का बोन्ड क्लीवेज होगा उसके बाद एफ जो आपकी गैसियस स्टेट के अंदर जो है वो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एनर्जी, उस निकली एनर्जी को कहेंगे अब बन गया, और अब जो एनर्जी निकलेगी उसको आप क्या कहते हैं वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शो करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ एफ टू ने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन गेन किया नाउ इट गेट स्टेबिलाईन करता हैचर को नेक्स्ट आ जाता है विच एलिमेंट द मैक्सिम कैटिनेशन इन दिरोडिक्टेबल कार्बन देखो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है लॉन्ग चेन टू फॉर्म द्रांच चेन शो जैसे कार्बन कार्बन के बीच हमें बोर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या हो देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है तो कार्बन कार्बन के बीच का ये बॉन्ड क्या होना चाहिए हाइड्रोजन का, तो तो का है आप हाइड्रोजन को लें, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ये लंबी चेन नहीं बना सकता तो हाइड्रोजन को हमने कैंसिल आउट कर दिया फिर आप हीलियम को लेंगे पेड स्टेट तो में इलेक्ट्रॉन है वन एस टू

तो फ्लोरीन के अंदर आपने देखा कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन के अंदर भी और इसके पास थ्री थ्री आपके पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं तो फ्लोरीन भी लॉन्ग चेन नहीं बना सकता क्योंकि बिकॉज इट हैज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन जब लिखते हैं फ्लोरीन की तो आपने क्या देखा देखो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव और ये जो वेलेंशियल है जब आप इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं टू एस के अंदर देखो टू इलेक्ट्रॉन

तो इसकी तो वैलेंस के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन को, देखे, देखो, 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 तो को ऐसे कर लेना चाहिए देखो ऑक्सीजन वन बॉन्ड ऐसे बना के ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन फिर अपने इलेक्ट्रॉन के साथ देखो एवरी ओ एटम कैन फॉर्म द टू बॉन्ड सो इट कैन फ्रॉम द लॉन्ग चेन लेकिन वो लॉन्ग चेन नहीं बनती रीजन बिकॉज

इलेक्ट्रॉन पहला सिंगल बॉन्ड बनाया सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेके वो डबल बॉन्ड बना लेता है सो इट एक्सिस्ट इन ओ टू स्टेट ये लॉन्ग चेन नहीं दिखाता ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता तो देखो ऑक्सीजन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को देखा हमने नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन आप अगर इसी टाइप से देखें तो देखो वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री को देखें वैलेंस शेल के अंदर आपके टू एस के अंदर देखो दो इलेक्ट्रॉन है अगर आपने नाइट्रोजन को देखा तो इसके पास देखो थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास तो थ्री है, इसको शो कर देनी चाहिए लॉन्ग चेन बना दे लेकिन क्या हुआ उसी टाइप से नाइट्रोजन जब लॉन्ग चेन बनाना स्टार्ट करता है नाइट्रोजन के पास भी लॉन्ग पेयर है सो ड्यू टू द लॉन्ग पेयर लॉन्ग पेयर रिपल्शन नाइट्रोजन भी कैटिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता नाइट्रोजन के अंदर भी नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पेयर है सो अकर्स द दे पेयर लॉन् पेयर रिपल्शन सो नाइट्रोजन ऑल्सो कैनोट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन तो इसलिए उससे छोटा एलिमेंट अब कौन आया नेक्स्ट वन इज द कार्बन अब कार्बन की बारी आ गई तो कार्बन की जब कॉन्गेशन आप लिखते हैं तो उसकी कॉन्गेशन में आप देख पाएंगे इट हैज नो पेयर 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 उसके अंदर नहीं नहीं है तो pair नहीं है तो तो इसलिए वो चार बॉन्ड भी बना देगा उसकी वी फोर है कोई लॉन पेयर भी नहीं है तो इसलिए सबसे ज्यादा कैटनीशियन कौन दिखाएगा कैटनीशियन की दिखाने के लिए कंडीशन क्या है साइज छोटा हो साइज छोटा किसका है पीरियोडिक टेबल के अनुसार आपने देखा कि आपके नियोन इन्होंने नहीं शो की ऑक्सीजन ने शो नहीं की नाइट्रोजन ने शो नहीं की तो उसके बाद बोलो कौन आ गया? Carbon. तो carbon को जो देखा एक्साइटेड तो स्टेट के अंदर एस के एक इलेक्ट्रॉन को आपने पी में एक्साइट कर दिया देखो दे कार्बन आइटमेड इलेक्ट्रॉन नो लोन पेयर सो देर नो लॉन पेयर लॉन रिपल्शन कार्बन कैन फॉर्म द स्टेट चेन इट कैन फॉर्म्रेन एंड्रोजन ये आपको ध्यान ही रखने होते हैं काफी जगह ये, ये यूज होने होते हैं जैसे कोई रिएक्शन आ गई डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन तो आपको ध्यान रखा डाई मीन्स टू एजोमींस नाइट्रोजन ऐसे तो थायोमींस सल्फर ऐसे आप याद रखेंगे इन वर्ड्स को गुड कंडक्टर है जो नॉन मेटल भी है वो कौन है दैट इज अ कार्बन इन ग्रुप नंबर फोर्टीन एंड ग्रुप नंबर फिफ्टीन में फास्फोरस। फास्फोरस एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है एलोट्रोपी बोलो कौन सी प्रॉपर्टी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म किसी भी एटम ऑफ द एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना वो प्रॉपर्टी एलोट्रोपी कहलाती है और कोई मोलिक्यूल का एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करना वो उसकी पोलीमोर्फिज्म कहलाती है मेनी फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना पोलिमोर्फिजम और एटम ऑफ द एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर जाना वो एलोट्रोपी कहलाती है सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एलोट्रोपी एंड द पोलीमोर्फिज्म तो जो कार्बन है वो भी डिफरेंट फॉर्म शो करता है जैसे ग्रेफाइट की फॉर्म एग्जिस्ट करता है डायमंड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है फुलेरिन की फॉर्म एग्जिस्ट करता है सी सिक्सटी फुलेरिन जो आपने पढ़ा है बट विच ऑफ द गुड कंडक्टर तो नॉन मेटल भी है गुड कंडक्टरली आपके व्हाइट फॉस्फरस है आपके ब्लैक फॉस्फरस है आपके पास रेड फॉस्फरस है white phosphorus, that is the most reactive phosphorus. उसके बाद जो ब्लैक फॉस्फरस ही ऐसा है जिसकी जो स्केलेटन है जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट की तरह होती है और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जैसे ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो लूजली तो ग्रेफाइट क्या होता है इट इज गुड कंडक्टर ब्लैक गुड कंडक्टर दोनों नाम आपको याद रखने इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे हमने बताया कुछ बिहेवियर आपने पढ़ा वो कौन शो करते हैं लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्टी आती है उसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट वो आपके प्रॉपर्टी चलती है जैसे ग्रुप नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन आमतौर पर थर्टीन में जो लास्ट एलिमेंट है थैलियम 14 में जो लास्ट एलिमेंट है वो आपके लेड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 15 में जो लास्ट एलिमेंट है वो है बिस्मिथ सो दीज आर थ्री एलिमेंट विच शोज द इफेक्ट दैट इज द पेयर इफेक्ट इन सभी एलिमेंट में देखो होता क्या है थोड़ा इन ब्रीफ आपको दे रहे इन सभी एलिमेंट में ये पाया गया देखो ये न्यूक्लियस है ये वैलेंस शेल है अगर हम बात करें सिर्फ ग्रुप नंबर थर्टीन की तो ग्रुप नंबर थर्टीन की वैलेंस शेल में आपको क्या देखने को मिलता है एन एस टू और np1 वन देखो ऐसे हो जाता है लास्ट के अंदर np1 वन हो गया और यहाँ पे इसके जस्ट अंदर यहाँ पे एफ शेल होती है हम आपको बता दें एफ शेल होती है उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होती है क्योंकि स्क्रीनिंग पावर का अगर आप ऑर्डर याद करते हैं तो सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करता है एस एस

इनकेस इन केस ऑफ थैलियम थैलियम हमने के बारे में आपको बताया इन ग्रुप नंबर थर्टीन के अंदर वैलेंशियलेशन एन एस टू एन पी वन थी तो इसीलिए जो एन एस इलेक्ट्रॉन है मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ग्रुप थर्टीन में कौन है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है दैट इज अ थैलियम इसी को मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह रहे हैं

अनपेड नहीं हो पाए तो इसलिए थेलियम के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन दे रिमेन इन स्टेट दे रिमेन इन द इनर्ट स्टेट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग क्योंकि ये ये आपके पेड स्टेट स्टेट में में है अनपेड जा नहीं पाए इसलिए बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाए सो दैट पेयर इज कॉल्ड इज द इनर्ट पेयर वैलेंस शेल के जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है दे आर द इनर्ट पेयर एंड इफेक्ट इज कॉल्ड इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट सो द डिक्रीज इन द द टेंडेंसी डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन

NS2, NP2, अगर हम यहाँ पे थेलियम की बजाय अगर मैं यहाँ पे देखो लेड लिख देता हूँ मान लीजिए मैं लेड लिख देता हूं यहाँ पे लेड तो ग्रुप की हूँगेशन बताओ क्या होती है ग्रुप फोर्टीन की अगर हम वैलेंशियलेशन देखें तो ग्रुप फोर्टीन की वैलेंशियल होती है एनएस टू एनपी टू देखो मैंने एनपी टू लिख दिया वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है टू ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो दो ही बॉन्ड बनाएगा लेड अगर ये क्योंकि दिस वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं कर पाएंगे देखो यहां पे ये नहीं आ पाएंगे अगर आ जाता तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते चार बॉन्ड लेड बना सकता था सिमिलरली पीबीसीएल4 तो नहीं बनता पीबीसीएल2 बन जाता है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं तो ये कुछ बातें आपको बता दी जो अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती है इन डिटेल तो आगे जब हमारा टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको बता दी जाएंगी

एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस मेटल के सरफेस के ऊपर जब लाइट सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आके गिरती है जिसे थ्रेल्ड एनर्जी वाली लाइट भी कहते हैं क्योंकि द द द द मिनिमम मिनिमम अमाउंट अमाउंट ऑफ 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 एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द इज एनर्जी उसे आप थ्रेश एनर्जी कहते हैं कि कम से कम कितनी एनर्जी की लाइट आके गिरे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए दैट कॉल्ड इज थ्रेश होल्ड एनर्जी अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट डालते हैं तो फिर क्या होगा नाउ दैट एक्सेस एनर्जी अब होता थ्रेश होल्ड एनर्जी

कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए दैट इज द टेन जूल इज द थ्रेश एनर्जी प्लस जो एक्सेस एनर्जी है टू जूल और जो एक्स्ट्रा दी आपने वो क्या काम आई दैट इंक्रीज इज दिनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट चलेगा तो मीन्स द फोटो इफेक्ट इज शोन बाय मैक्सिमम बाय दीजियम

डिटरमाइन करते हैं तो इसलिए सबसे छोटे साइज का आइटम तो आपका हाइड्रोजन रहता फिर भी तो ये एक्सेप्शन रीजनिंग है कि व्हाई द हाइड्रोजन इज द स्मालेस्ट एलिमेंट और हीलियम आपका उससे थोड़ा बड़ा क्यों क्योंकि हीलियम के केस में वंडरवाल रेडिआई देखी जाती है और हाइड्रोजन के केस में क्या देखी जाती है कोवलेंट रेडिआई जो हम साइज वाले टॉपिक के अंदर आपको बता पाएंगे आगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हमने आपको बता दी मैक्सिमम कौन शो करता है दैट इज द सीजियम आप इस डायग्राम में देखो देखो जैसे ही लाइट आके गिरी ये फोटो सेल है अब देखें एम के अंदर आपको क्या दिखा देखो नो डिफ्लेक्शन जैसे ही लाइट आके गिरी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गए विच शोज दैट जो सीजियम है मान लीजिए सीजियम की प्लेट थी लाइट आके इस पे गिरी जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल होती है तो एकदम एम जो हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज वहां डिफ्लेक्शन आए मीन्स आपके करंट प्रोड्यूस हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है मीन्स फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट आपका चल चुका है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो गई ऑन फॉलिंग द लाइट ऑन द मेटलिक सर्फेस तो इसलिए जो ये आपके सीजियम है इट कैन बी यूज इन द फोटो सेल अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो जैसे हम आपको बताएं कि जब आप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये आपके सबसे पहला फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हमने ले लिया फर्स्ट शेल है उसके बाद लास्ट वाला हमने एलिमेंट ले लिया डाउन द ग्रुप हमने पहले ही बताया है कि जो ग्रुप बना रखा है किस बेसिस के ऊपर के शेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या रहेगा बिल्कुल सेम तो एन एस वन लास्ट में भी देखे एन एस वन ही है तो ये हमने दिखा दिया सीजियम को तो क्या हुआ डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हैं इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे तो सबसे बेटर इफेक्ट सीजियम ने क्यों शो किया क्योंकि जो सबसे ऊपर एलिमेंट हो उसमें क्या होगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है दे आर नियर टू द न्यूक्लियस सो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस द डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सो ड्यू टू दैट द अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन

साइज आपका डिक्रीज होता चला जाता है तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है जो स्कैंडियम स्कैंडियम नंबर से से जिंक तक जाती है तो तो लेफ्ट टू राइट जाने साइज क्या होगा डिक्रीज तो सबसे बड़ा किसका रहा का लार्जेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो कौन हो गया आपका फर्स्ट फर्स्ट सीरीज के अंदर जो हम देखते हैं तो वो आपका कौन हो गया बोलो आपका स्कैंडियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बोलो सबसे बड़ा एलिमेंट बोलो कौन हो गया स्कैंडियम फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट बोलो कौन है दैट इज द टेक्नीशियम हो गया

8.3 बाय मास आफ्टर ऑक्सीजन एंड द सिलिकॉन क्योंकि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो बोलो कौन हो गया ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकॉन नंबर थर्ड पे कौन हो गया आपका एल्यूमिनियम जैसे हमने अभी बताया था कुछ पल पहले भी आपको कार्बन इज द सेवनटींथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट CO2 के बारे में भी आता है जैसे परसेंटेज सबसे ज्यादा एयर के अंदर आप देखें तो किसकी सेवेंटी एट परसेंट जैसे नाइट्रोजन के बारे में आप याद करते आए हैं ऑक्सीजन के बारे में उसके बारे में टिक करना आ जाए टिक तो आप किस पे करेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट के ऊपर द कार्बन कंटेंट दी थ्री डिफरेंट आइसोटॉप कार्बन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन जो कार्बन ट्वेल्व है वो आपका नॉन रेडिएटिव जो एलिमेंट है

इट इज यूज फॉर डिटेक्शन आर्टिकल्स देखो आपके पास कोई ट्री है ट्री के अंदर क्या होता है आप ध्यान से देखें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं देखो ट्री क्या करता जो जो है इट टेक्स दीओ टू फ्रॉम द एयर वाटर फ्रॉम द अर्थ इन प्रेजेंसलाइटिंग द्लोरोस ऑफ द लीफ process by which the plants synthesize their own food means they are the autotrophs तो ये अपना जो फूड बनाते हैं बड़े ध्यान से देखें कार्बन ट्वेल्व भी आ रहा है कार्बन फोर्टीन भी कार्बन फोर्टीन को हमने ऑरेंज कलर से शो कर रखा है कार्बन ट्वेल्व को ग्रीन कार्बन फोर्टीन सिर्फ दो ही मोल्स दिखा रखे हमने कार्बन ट्वेल्व के ज्यादा मोल्स दिखा रखे हैं क्योंकि कार्बन ट्वेल्व इज अटेबलेट आइसोटोप कार्बन फोर्टीन इज अ रेडियक्टिव आइसोटोप तो नेचर के अंदर कार्बन फोर्टीन कम मिलेगा कार्बन ट्वेल्व ज्यादा इसलिए जो प्लांट्स हैं जब वो सीओ टू लेते हैं तो सीओ टू भी जब वो एब्सोर्व करते हैं तो टू फॉर्म में सीओ टू आती है वन सीओ टू इन ऑफ़ कार्बन ट्वेल्व सीओ टू अदर वन इज द कार्बन फोर्टीन सीओ टू बट द बट द अमाउंट ऑफ कार्बन ट्वेल्व सीओ टू इज मोर कार्बन फोर्टीन ट्वेल्व कार्बन फोर्टीन सीओ टू इज लेस लेकिन प्लांट तो दोनों ही सीओ टू को कंटिन्यूसली प्लांट इन द लिविंग प्लांट द रेशियो ऑफ कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन फोर्टीन रिमेन कॉन्स्टेंट वो तो कंटिन्यूसली ले रहा है लेकिन जब हमने प्लांट को कट कर दिया तो ये तो है जब आपके पास कोई प्लांट लाइव है लाइव प्लांट के अंदर कार्बन फोर्टीन और कार्बन जो 14 और जो कार्बन ट्वेल्व है उसकी रेशियो हमेशा ही फिक्स रहती है जब प्लांट लिविंग होता है तो क्या ध्यान रखना है द रेशियो ऑफ कार्बन फोर्टीन टू कार्बन ट्वेल्व आप कुछ भी बोल सकते हैं द इनवायरमेंट से जो उसने लिया तो वो रेशियो क्या रहती है हमेशा सेम लेकिन फिर हमने क्या किया देखो आप ध्यान से देखो प्लांट को हमने काट दिया अब ध्यान से देखें देखो ये हाफ हो गया कार्बन फोर्टीन देखो five, seven, six, हमने नीचे साथ साथ साल में वो उसकी और आधी होगी देखो यहाँ तक उसके बाद और अगले पांच हजार सात सौ साठ साल के अंदर फिर और आधा हो गया इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि शुरू में मान लीजिए आपके पास वन ग्राम है बोलो पॉइंट कितनी थी आपके पास मान लीजिए वन ग्राम कार्बन फोर्टीन थी 5760 साल के बाद वो हाफ ग्राम हो गई उसके और के बाद बोलो क्या हो गई 5760 साल के बाद 1/4 ग्राम हो गई उसके बाद 1/8 ग्राम हो गई एंड सो ऑन सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ तो मींस क्या हुआ कि आपने जो प्लांट कट कर दिया प्लांट कट करने के बाद क्या है? आपके लिविंग प्लांट के अंदर मैंने बताया कार्बन ट्वेल्व कार्बन फोर्टीन की रेशियो तो देखो फिक्स है क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसलीव कर रहा है लेकिन जब आपने प्लांट कट कर दिया कट करने के बाद जो वुडन आर्टिकल आपके पास है क्या उसके अंदर कार्बन ट्वेल्व और कार्बन फोर्टीन की रेशियो क्या वो बिल्कुल सेम रहेगी नो no, वो सेम नहीं रहेगी जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा जो कार्बन फोर्टीन है वो एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है वो तो डिकम्पोज होता रहेगा उसकी अमाउंट तो डिक्रीज होती चली जाएगी तो कार्बन टू कार्बन फोर्टीन तो की रेशियो भी सेम नहीं रहेगी वो भी चेंज होती चली जाएगी तो इसी बेसिस के ऊपर ही तो हम निकाल सकते हैं आपकी एज ऑफ द वुडन आर्टिकल क्योंकि देखो आपने ये पढ़ा है जो केमिकल कैंटिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं कि K इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो माइनस एक्स ए क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन इनिशियल मीन लिविंग प्लांट के अंदर कार्बन कार्बन तो दे तो 14 की रेशो आज देखेंगे आप तो आज क्या है दैट इज माइनस एक्स यहाँ पे आप पुट कर देंगे बोलो एक ही जगह आपने क्या पुट किया जो बिल्कुल लिविंग प्लांट है उसके अंदर आपकी कार्बन ट्वेल्व कार्बन फोर्टीन की रेशो क्या है वो आप एक ही जगह पुट करते हैं ए माइनस एक्स की जगह आज की डेट में क्या वट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी आज की डेट में वो कितनी है कभी कटा होगा हमें क्या पता कितने साल पहले उस प्लांट को आपने कट किया था क्या पता कितनी पुरानी वो वुडन है तो उसकी एज हमें पता लगानी है कब वो काटी गई थी तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ये आपके पास K है ये आपके पास T है T क्या है T आपके पास है एज एज ऑफ द वुडन आर्टिकल K क्या है ये कॉन्स्टेंट है ये आपका क्या है डी के कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है गिवन मिलेगी आपको तो मैं सब बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं एज ऑफ द वुडन आर्टिकल क्या निकाल सकते हैं एज ऑफ द वुडन आर्टिकल ये फार्मूला है क्योंकि जितनी भी न्यूक्लियर डीके प्रोसेस होती है ऑल न्यूक्लियर डीके प्रोसेस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये जो रेट कॉन्स्टेंट का फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है दैट इज द

और जो आज चट्टान है पूरी बड़ी चट्टान है पूरी रॉक्स हैं, उनके अंदर आज की डेट में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 की रेशो क्या है वो कितनी आज तो उस और ऐसे ही आपकी जो यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है जैसे कार्बन की हमने बताई वो कितनी है तो सिमिलरली आप एज ऑफ रॉक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं Similarly same formula के ऊपर process न्यूक्लियर first order reaction same formula आप use करेंगे और age of rocks भी आप determine कर सकते हैं वो detail में आपको बता दी बाद में इसके बाद आप देख सकते हैं कि periodic table के अंदर देखो group number जो फोर्टीन है उसके अंदर ही आपके ये carbon आता है first element है group number फोर्टीन का इसके बाद next अब हम देखते हैं

तो लेकिन जो पेट्रोल के अंदर जो पेट्रोल हमने यूज किया उसकी क्वालिटी आपकी अच्छी हो भी सकती है अच्छी ना भी हो अच्छी नहीं है कैसे नहीं है कैसे पता चला आपने फ्यूल को जब यूज किया इन न्यूर पेट्रोल व्हीकल देयर जब आपने उसको स्टार्ट किया इफ देयर इज समथिंग क्रैकिंग नोज कमिंग फ्रॉम द इंजन ड्यू टू द बेड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल दैट इज द बेड क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल तो जो बेड क्वालिटी आती है उसे नॉकिंग कहते हैं जैसे कट 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 ऐसे जैसे कोई नॉक कर रहा है आपके व्हीकल के इंजन को तो दैट नॉकिंग नॉइज कमिंग फ्रॉम द द इंजन दैट कॉल्ड इज क्रैकिंग उसे क्या कहते हैं उसे कहते है। उसे नॉकिंग नॉकिंग कहते है, कहते हैं हैं नॉकिंग हो रही है अब हम चाहते हैं उसकी फ्यूल जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें नॉकिंग ना हो तो इसलिए उसमें डाला जाता है दैट दैट सब्सटेंस कॉल्ड इज द एंटी नॉकिंग एजेंट ये नॉकिंग को रोकता है पेट्रोल के अंदर फ्यूल के अंदर जब हम डालते हैं लेकिन इसकी खुद अपनी डिसएडवांटेज है इसलिए डे बाय डे डिस्कवरीज होती ही रहती है क्योंकि लेड है इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर उसके अंदर एलिमेंट कौन सा होता है वो एलिमेंट होता है मैग्नीशियम ये आपको याद रखना मैग्नीशियम इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द्लोरफिल क्लोरोफिल विच इज अ मेन पिगमेंट ड्यूरिंग यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट सीवीड देखो जो सी विड्स होते हैं सीवीड्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ काफी बार ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द मेटल इन द ह्यूमन बॉडी 200 टू 300 मिलीग्राम तो ये आपको याद रखनी होती है लिक्विड मेटल लिक्विड मेटल इज यूज्ड कहां पे इसको यूज करते हैं इट इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखो ये आपके सामने ये डायग्राम आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर का इसमें आप बड़े ध्यान से अब देखना देखो ये जो पोर्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर का जिसमें आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है देखो ये कंटेनर जहां पे कंट्रोल रोड देखो ये यहाँ पे हमने डालते हैं ये कौन सी चीज आपके लिक्विड सोडियम मेटल ये क्या करता है ये कूलेंट का, का काम करता है कूलेंट मींस ये जितनी भी एक्सेस एनर्जी जो रिलीज होती है उसको ये एबजॉर्व करता है बोलो उसको ये क्या करता है ये एब्जोर्व तो इट द कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर देखो इस पोर्शन के अंदर देखो मैं रेड कलर से देखो ये शो कर रहा हूँ ये यहाँ पे कूलेंट है बोलो कौन है यहाँ पे कूलेंट जो मैंने रेड रेड अप कर दिया इस पोर्शन के अंदर तो दैट हेयर इज द तो आपके आपसे पूछा जाता है एग्जाम में विच द एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग दूलेंट इज रिएक्टर तो आप किस पे टिक करेंगे लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो डिटेक्शन ऑफ एसिड और बेसिक रेडिकल आप करते हैं तो उसके दौरान यूज किया जाता है मिक्सचर जिसे आप कहते हैं फ्यूजन मिक्सचर तो एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन विच इज द फ्यूजन व्हाट इज अ फ्यूजन मिक्सचर कार्बोनेट और द पोटेशियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन मिक्सचर ये काम क्या आता है जो इन सोलिबल होते हैं लाइट लेड सल्फेट ए जी सी एल उनका जब सोल्यूशन हमें बनाना हो उनको जब सोलिबलाइज करना हो तो आप क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेड सल्फेट आपने लिया आपके इस क्रूसिबल के अंदर उसके अंदर मिक्सचर आपका यानी फ्यूजन मिक्सचर आपने लिया सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट का उसके अंदर इनसोलिबल को डालते हैं अब उसको आप हीट करते हैं एट ए हाई टेम्परेचर फिर सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट जो आपका इनसोलिबल था उसको क्या कर देता है फ्यूज कर देता है मिक्सअप कर देता है अब जब आप उसके अंदर वाटर डालते हैं तो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो फ्यूजन मिक्सचर के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कब यूज करते हैं इंसोल्युबल की डिटेक्शन के दौरान क्या होता है ये इट इज द वन इज टू वन रेशियो मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड द पोटेशियम कार्बोनेट नेक्स्ट आ जाता है जो अभी हमने आपको पीछे भी देखो बताया था कि ये वो पोर्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर का जिसके अंदर बोलो क्या डाला होता है यहाँ पे कुलेंट प्लस साथ के साथ ये जो रोड्स हैं आप देखो ऊपर नीचे आती आपको दिख रही है देखो ऊपर नीचे, नीचे के अंदर जो बम्बार्डमेंट करवानी है, आप ध्यान से देखें यहाँ पे यूरेनियम टू है उसके है बोलो किसकी बम्बार्डमेंट करवानी है है हमें न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन क्या करेंगे बम्बार्ड करेंगे इसका ब्रेक डाउन करेंगे यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो टू ब्रेक हो जाएगा दो स्पीसी बनेंगी जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर लेकिन जो ये बम्बार्डमेंट होती है ये तो एक्सेस रिएक्शन चल जाएगी आपकी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चल जाएगी लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं वो जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन आप देख पा रहे अनकंट्रोल्ड अन्कंट्र, रिएक्शन है देखो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई बेरियम क्रिप्टॉन बने एंड सो ऑन ये रिएक्शन तो देखो चलती चली जाएगी प्लस में थ्री न्यूट्रॉन साथ निकलती आप ध्यान रखें जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है यूरेनियम के ऊपर बेरियम क्रिप्टॉन प्लस थ्री मोर न्यूट्रॉन रिलीज जो थ्री मोर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो फर्दर आपके जाके अगले यूरेनियम के ऊपर जाके बम्बार्ड करते हैं एंड सो फिर थ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं फर्दर बम्बार्ड करते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चल जाएगी ना तो फिर क्या करें फिर हम यूज करते हैं जो ऊपर नीचे आपको रोड आती हुई दिख रही है दीज आर दी बोरोन और दैडमियम रोड्स ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये रोड को इंसर्ट करते हैं किस लेवल तक अंदर लेके जाती हैं ये क्या करती हैं दे है देखो अब ध्यान से देखो ये रोड नीचे आई न्यूट्रॉन को देखो एब्जोर्व करके ऊपर चली गई नीचे आई करके ऊपर ऊपर जाने का मतलब ये ये होता है कि रोड ऐसे ही रहती है हमने इनको फिक्स कर दिया नीचे जाके फिर ये क्या करेंगे ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करती रहेंगी मिस एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर वेन ए ए न्यूट्रॉन गेट बिन बंबार यूरेनियम टू थर्टी फाइव इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेरियम एंड क्रिप्टर अलॉन्ग थ्री न्यूट्रॉन्स देखो और तीन न्यूट्रॉन्स निकल गए ऐसे तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी हमें तो कंट्रोल्ड रिएक्शन चलानी है तो इसीलिए जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स है उनको एब्जॉर्ब करता है कौन दिस और द कैडमियम रोड्स सो इट इज यूज्ड यूज एजर इट कंट्रोल रोड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ताकि रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में चल जाए उसके बाद क्या होता है जब रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में चलती है दो जो आपके मैंने पीछे अभी बताया था जो कूलेंट की यू, की फॉर्म में यूज किया था सोडियम मेटल लिक्विड सोडियम को वो एक्सेस हीट को क्या करता है कर लेता है एक्सेस हीट फिर फर्दर पास करते देखो मैं दोबारा से बैक करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे देखें अब क्या होगा उसके बाद जो हीट थी देखो यहाँ से ये यह एनर्जी गई आगे जाके आप बड़े ध्यान से देखिए दोनों डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कूलेंट होता है जो एक्सेस ऑफ जो हीट जाती है जो एक्सेस ऑफ हीट गई देखो यहाँ से उसके बाद क्या हुआ कि आपके सर्कुलेशन चल रहा है यहाँ पे वाटर का तो वाटर देखो स्टीम में कन्वर्ट हो गई देखो ये टर्बाइन लिख रखा हम देखो ये रिटर्बाइन दो दो डायग्राम है आपके पास फॉर्म के अंदर को किसने रोटेट किया स्टीम ने स्टीम कैसे प्रोड्यूस हुई जो एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई थी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो जो एक्सेस ऑफ हीट है किसने किया जो कूलेंट था कूलेंट का सर्कुलेशन हुआ देखो यहाँ पे कूलेंट का ये सर्कुलेशन हो रहा है ये कूलेंट का सर्कुलेशन होता रहेगा देखो ये जो वायलेट कलर का दिखा रखा है ना ये कौन है कूलेंट देखो ये कूलेंट ये कूलेंट जो मैंने अब रेड एरो में दिखा रखा हूँ देखो ये तो कंटिन्यूसली करके वापस यहीं पे आ जाएगा इसी कंटेनर के अंदर और इस जो ये पाइप है जिसके अंदर कूलेंट मूव कर रहा है कंटिन्यूसली अप हो गया जाता है कूलेंट और वो जब आगे जाता है तो उसके बाहर ये जैकेट है जिसके अंदर वाटर है बोलो कौन वाट फ्लो कर रहा है वाटर मिक्सिंग अप नहीं है यहाँ पे कूलेंट इसका तो जो वाटर है वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट हो गया देखो ये स्टीम यहाँ पे गई ये स्टीम गई यहां से देखो ऐसे वाटर गेट कन्वर्टेड इन स्टीम बिकॉज वाटर गेट ही वो एनर्जी कहां से मिली वाटर को वो जो आपका कूलेंट था उसका सर्कुलेशन जो चल रहा था वहां से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया वो आगे जाके बोलो कहां पे गया ये टरबाइन तक पहुंच गया टरबाइन को रोटेट किया स्टीम ने क्या जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी और ये देखो पावर सप्लाई की हमने लाइन दिखा दी तो इसकी यूटिलिटी क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर की नो इसकी यूटिलिटी पावर जनरेशन में ही तो इसको यूज करना है तो ये हमने बताया ओवरऑल आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि आपने देखा होगा जो सी है जो समुन्द्र है उनके अंदर देखो ये दो पॉइंट हमारे इकट्ठे आने वाले हैं दोनों को इकट्ठा हम बता रहे हैं होम सिग्नल्स ये आपको देखो सी दिख रहा है सी के अंदर आपको ये बोट दिख रही है शिप दिख रही है जो जा रही थी आगे देखो ये फायर दिख रही है आपको यहाँ देखो, देखो ये फायर है यहाँ देखो ये फायर है ये ये जो फायर किस लिए जलाई गई हो सकता है सी के अंदर यहाँ पे कोई काफी बड़ी स्टोन हो आपने देखा था ना टाइटेनिक भी डैमेज हो गया था अलग अलग और भी डैमेज ऐसे हो सकते हैं प्रिकॉशन तो खैर पूरी रखी जाती है तो मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है इज द मिक्सचर एक कंटेनर के अंदर एक मिक्सचर लिया जाता है दैट मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ca3p2 ए थ्री पी टू एंड द कैल्शियम कार्बाइड सी ए सी टू इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है और ये मिक्सचर लेते हैं तो जब इन मिक्सचर को हम लेते हैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं वाटर डालते ही साथ क्या होगा कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर तो रिलीज़ क्या होगा आपके देखो मैं फिर बता रहा हूं कंटेनर लिया जाता है यहाँ पे सी के अंदर जहां पे कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर लिया जाता है चेक होम सिग्नल क्योंकि यहाँ पे रिंग्स बनते हैं स्मोक के रिंग यहाँ पे ये स्मोक के रिंग हैं यहाँ पे देखो स्मोक के रिंग बनते हैं स्मोक निकलता है धुआं निकलता है काफी सारा और जिसकी वजह से जो शिप है वो वहां से नहीं जाएगी उसको पता चल गया कि यहाँ पे डेंजर है तो किस लिए यूज करते हैं एज हैंजर सिग्नल एज सिग्नल -E सिग्नल हम इसको कह देते हैं सो द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड द कैल्शियम कार्बाइड एक्ट एज ए होम सिग्नल डेंजर सिग्नल इन द डीप सीज फॉर सिग्नलिंग द डेंजर पॉइंट यहाँ पे रिएक्शन कौन सी चली कैल्शियम फॉस्फाइड जब वाटर से मिक्स किया तो फॉस्फिन गैस विच बन्स इन एयर टू किफिन गैस बनी फर्दर एयर तो है ही वहां पे एयर के साथ रिएक्शन हुई फॉस्फिन की तो क्या बना P2O5 फाइव और P2O5 फाइव के वो क्लाउड्स बन गए वहां पे जो विच शोज द डेंजर पॉइंट जो डेंजर पॉइंट को क्या करेगा शो करेगा विच एक्ट द स्मोक स्क्रीन वहां पे धुआं फैल जाएगा धुआं फैल जाएगा तो एक स्क्रीन बन गई रस्ते में एक दीवार सी बन गई धुएं की दीवार बन गई जो स्मोक स्क्रीन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बोलो स्मोक स्मोक स्क्रीन स्मोक स्क्रीन किसकी वजह से बनी P2O5 के क्लाउड की वजह से पीटू फाइव किसान से बना, से बना. कहां से आया वो कैल्शियम फॉस्फाइड से आया यह जला कैसे जलने में हेल्प किसने की वो कौन है वो एसिटिलीन गैस है वो एसिटिलीन गैस कहां से आई कैल्शियम कार्बाइड के अंदर से इसलिए मिक्सचर लिया जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड का ताकि पी थ्री गैस रिलीज हो कैल्शियम कार्बाइड को लिया गया ताकि एसिटिलीन गैस बने सी टू एच टू एसिटिलीन गैस पी एच थ्री को जलाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एयर जिसकी वजह से क्लाउड बनेंगे पी टू फाइव के विच एक्ट एज द स्मोक स्क्रीन एंड ओवरऑल दैट दट मिक्सचर एक्ट एज द होम सिग्नल और द डेंजर सिग्नल तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रियोडिक टेबल के अंदर जो हमने आपको बताया इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है और भी है लेकिन अमंग द डिफरेंट क्वेश्चन और भी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें से ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए ये आपको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए गए सो दैट थैंक यू दैट ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर ऑन द पीरियोडिक टेबल